सुरेंद्र पासवान इस बार जिता रहे हैं एकदम तन मन धन से, विकास चाह रहे हैं, विकास चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहे कुछो न चारो न पैसा न कोई योजना का लाभ, कोई योजना नहीं, लेटरिन मिला नहीं, जल लगाया जल भी नहीं आया, शौचालय भी नहीं मिला, शौचालय भी नहीं मिला, मतलब फंक्शन में कुछ ऐबे नहीं किया है। ना जो सुरेंद्र पासवान को मुखिया बनाना, अब बड़ी भावुक हो रहे हैं, क्या बात, सुरेंद्र पासवान को मुखिया बनाना। मेरा भी कहना है कि अब की बार सुरेंद्र पासवान को जिताना है। अच्छे व्यक्ति हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, शिक्षित है, एकदम पूरा शिक्षित है। अब की बार तो सुरेंद्र मुखिया बनाना है सुरेंद्र जी को। ये मुखिया तो क्या काम किया सब समाज जानते हैं जी, बिल्कुल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार ENT स्पेशलिस्ट। जी नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। मैं अभी हूं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33 में, बदरपुर पंचायत पड़ता है, और यहां पे काफ़ी घमासान लड़ाई है मुखिया पद के लिए, और बहुत सारे प्रतिनिधि जो हैं अपने अपने दावेदारी दे रहे हैं। यहां पे मैं इसी चीज़ को जानने के लिए आया हूं कि इस बार जो है यहाँ के पब्लिक का क्या राय है, क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन या पहले जो मुखिया जी थे वही ठीक थे, तो ये तो जनता ही तय करेंगे। तो आइए मैं उनसे जानने का काम करूंगा, और उसके बाद जो मुखिया उम्मीदवार हैं सुरेंद्र पासवान, उनसे भी मैं राय लूंगा कि उनके पंचायत के अंदर क्या मूल समस्याएं हैं, क्या क्या कमियां हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मैं जानने का काम करूँगा यहाँ के तमाम जनता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रचूल पासवान। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपको तो पता होगा मजदूरी में कितना कठिनाई झेलना पड़ता है। लेकिन आपके पहले निवर्तमान मुखिया, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, उसमें जो भी मुखिया प्रत्याशी खड़े हैं आपके पंचायत से, आपको पता होगा कौन कैसे हैं, पहले भी जो 10 साल 5 साल राज किए हैं उनके बारे में भी पता होगा, और अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में भी पता होगा। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है, इस बार आप क्या चाहते हैं? हम इस बार चाहते हैं बदलाव के लिए, बदलाव, जनता पूरा मूवमेंट अलग है, बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? उच्च अच्छा ढंग से काम नहीं कर पाए, काम नहीं हो पाया, तो ऐसा क्या कौन सा काम है जो आपको लग रहा है कि जरूरी था? हमारे काम है रोड नाला सड़क, और क्या है, रोड नहीं बना है, रोड नहीं बना है, नाला देखिए, नल जल योजना का काम, नल जल योजना यूँ क्यों पड़ा है, कहें कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आके देख सकते हैं। आपका उम्र क्या होगा? मेरा उम्र है 39 साल। अभी वृद्धा पेंशन मिलने लायक उम्र भी नहीं ना, अभी वृद्धा पेंशन मिलने लगना। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम अच्छा से हुआ कि नहीं? वो भी नहीं हुआ, गरीबों को घर नहीं मिल पाया है, गरीबों को घर नहीं मिल पाया उतना में। तो आप क्या चाहते हैं इस बार? हम इस बार चाहते हैं बदलाव होने के लिए, नया कैंडिडेट कोई आए, नया चेहरा आए। क्या लगता है कि नया चेहरा आएंगे तो अच्छा विकास हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, पूरा बिहार ही बदला हो रहा है, इस बार भी यहाँ के भी मुखिया बदला हो रहा है। तो आप बताइएगा कि इस बार किनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सुरेंद्र पासवान को, बदरपुर पंचायत का मुखिया। अगर वो जीतते हैं तो क्या इस पंचायत का भार जो है अपने ऊपर रख सकते हैं, उसको लेकर रख सकते हैं, उनके ऊपर भरोसा है, अगर नहीं रखेंगे तो 5 साल के बाद वो भी चला जाएंगे। सही बात आपने कहा है, ये जनता मालिक होती है, जनता मालिक है, जनता अगर चाहेगी तो उसे कुर्सी पे बैठा के रखेगी, वरना हटा दिया जाएगा। तो ये है यहाँ के जनता, और देखिए आप, आपका क्या कहना है इस बार? आप युवा हैं, आपने कुछ बोलिएगा, आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना है जो सुरेंद्र पासवान को मुखिया बनाना है। आप बड़ी भावुक हो रहे हैं, क्या बात, सुरेंद्र पासवान को मुखिया बनाना है, क्या है, पहले काम उम नहीं किए हैं मुखिया जी क्या? कुछ नहीं किए, नहीं बैठने का दर्जा दिए कभी, नहीं कभी कुछ दिए। देखिए ये जनता है और भावुक हो गए हैं, पहले के कार्यकाल को जो है वो शिकायत हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता के सामने रख रहे हैं, रखते हुए भावुक हो गए। मैं इनका सम्मान करता हूं, इनके आंसू का भी सम्मान करना चाहिए, यहां के कोई भी मुखिया प्रत्याशी हो उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनका एक वोट के कारण
कोई भी प्रत्याशी मुखिया बनता है तो उनका जो है फर्ज बनता है अपने पंचायत के अंदर तमाम जनता का सेवा करना, अपने पंचायत का विकास करना, ना कि आंसू बहाना। तो आप खुद देख सकते हैं हाँ क्या और क्या परेशानी है आपके। हमको परेशानी यही है जो मुखिया बदलाव हो जाए तो बदलाव कैसे होगा? पैसे हम वोट देंगे उसको, सुलंदर पासवान को वोट देंगे। आप तमाम जनता से क्या अपील करते हैं? अपील करते हैं जब तमाम जनता को मांगते हैं वोट, मांग कर उसको वोट देंगे। बिल्कुल आपके बात से मुझे लग रहा है कि काफ़ी इस पंचायत में कमियां हैं और आपकी बात को जो है जनता अगर समझेगी तो ज़रूर इस बार बदलाव होगी। आपका क्या कहना है? मेरा भी कहना है कि अब की बार सुलंदर पासवान को जिताना है। अच्छे व्यक्ति हैं? हाँ बहुत अच्छा है, शिक्षित हैं, एकदम पूरा शिक्षित है। क्या इस बार अगर वो जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा आप लोग जनता तमाम जनता के तरफ से करवाइएगा? पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर आएगा? और गली नाला है, पानी हुआ, नल जल योजना जो हुआ, रोड हुआ, ये सब को उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चाहिए? हाँ वो तो प्रथम में चाहिए, वो तो चाहिए पूरा प्रथम। तो इस बार क्या कहना चाहते हैं जनता से? जनता से यही कहना चाहते हैं कि सभी जनता मिल करके सुरेंद्र पासवान को जिताना है, उनको वोट देना है। आप सर कुछ कहिएगा, आप युवा हैं, युवा का क्या सोच होता है, थोड़ा सा आप अपनी सोच को रखिए। अब की बार तो सुरेंद्र मुखिया बनाना है सुरेंद्र जी को। ये मुखिया तो क्या काम किया है सब समाज जानते हैं। जी बिल्कुल, सबका सपोर्ट है, सही बात है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जनता को सब मालूम रहता है कि कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसा आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले इस पंचायत में कौन सा काम होना चाहिए? जितने कोई भी अगर कैंडिडेट जीत के आते हैं तो उनसे जो भी कैंडिडेट जीत के आएंगे यहाँ सब देखे हुए हैं, काम जो बचा हुआ है, कहीं रास्ता का लफड़ा है, कहीं नाला नहीं, किसी का घर नहीं है। सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले रोड जरूरी है, रोड जरूरी है, जहाँ विवादित है वहाँ पे सॉल्व करके गली नाला ये सब जरूरी है ना। बिल्कुल, नल योजना वाला भी है, वही बचा हुआ है काम है, कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है, बाकी बहुत। प्रधानमंत्री आवास योजना पे काम हुआ है कि नहीं? नहीं अभी कुछ नहीं, उतना नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो होना था हो गया, बाद बाकी नहीं हुआ अभी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था 2022 में तो हर एक लाभार्थियों को घर मिल जाएगा, जो टट्टी के घर में खपरा के घर में रह रहे हैं। तो कितना लग रहा है आपको उस पर काम हुआ है? 25% 25% 25 से ज़्यादा नहीं हुआ अभी, 75% अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए ये पंचायत का काम है जो कि यहाँ के तमाम जनता बता रहे हैं। सर आप भी कुछ बताएं, आप युवा हैं और आपसे मैं बात करके मुझे बहुत कुछ जानकारी हुआ इस पंचायत के बारे में, आपका क्या कहना? हाँ हमारा कहना है इस बार जो है मुखिया तो हर हाल में बदली होना चाहिए। बिल्कुल, ये पंचवर्षीय योजना में जो बिहार में 90% 80% मुखिया का जो बदलाव हो रहा है, वो 80% मुखिया नहीं था, वो ठेकेदार था। और हम चाहते हैं आगे जो परिवर्तन होगा, वो जो मुखिया बनेंगे सबसे पहले काम होना चाहिए जो हमारे पंचायत में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसके बाद जो एकदम निम्न दर्जे से झोपड़ी हैं, सूची में मकान पक्का वाला भी नाम दिए हुए हैं, पक्का वाला को ही पक्का बन रहा है, झोपड़ी वाला परे हुए हैं, तो झोपड़ी वाला पहले मकान हो, उसके बाद रास्ता रोड हो, गली हो, उसके बाद नाला हो, और उसके बाद स्वास्थ्य जो है हॉस्पिटल अगर आ जाए हमारे पंचायत में, अगर ज़मीन हो, अगर हॉस्पिटल आ जाए तो बेसी बढ़िया है। शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है? शिक्षा का स्तर मेरे पंचायत में मोटा मोटी 60% से ऊपर है। ठीक है। हाँ प्लस टू है यहाँ पे स्कूल, हाई स्कूल? नहीं 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 है, ज़मीन ही नहीं है, हम लोग गरीब 2 कट्ठा 1 कट्ठा 5 धूर लेके अपना बसे हैं। इस सब से भगवानपुर जो ग्राम है, सो हम लगता है जो बिहार में इसको एकदम जैसे कि बिहार जो विशेष दर्जा मांग रहा है, उसको जो चाहिए बेगूसराय में भगवानपुर को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, वैसा गरीब है। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपने तरफ से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं जो बदलाव हो मुखिया में, और जो जीत रहे हैं उनको विनती करते हैं
जो सुरेंद्र पासवान अगला बार भी बहुत टसल में रहे और हारते हुए अपना काम वो करते रहे। जो बहुत व्यक्ति है, 16 कैंडिडेट अगले बार था जिसमें एक जीते हुए थे, एक विपक्ष में सुरेंद्र पासवान काम करते रहे, लेकिन 14 वो कैंडिडेट अभी तक हमको पता नहीं है जो कहाँ है। तो हम जो मेहनती है, जो पानी का आशिक है, उसी को न पिलाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल होना भी चाहिए सर। क्या जी? ठीक, बिल्कुल आपने अच्छी बात कहता है कि जो पंचायत के अंदर विकास के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे और तमाम सरकार का जो भी योजना आते हैं वो पंचायत के तमाम जनता के बीच रखें, उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपकी बातों को, आइए किसान भाई हैं, किसान भाई से मिलते हैं। क्या आप एक खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, क्या आपके पंचायत में आप किसान भाइयों के ऊपर ध्यान दिया गया है कि नहीं यहाँ के मुखिया जी के द्वारा? जी नहीं, यहाँ का मुखिया आज तक मान लीजिए कि किसान भाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2000 करके 6000 प्रधानमंत्री सहायता राशि करके एक योजना आया था, क्या उसका लाभ आपको मिला? जी नहीं, हमारे गांव में मान लीजिए कि पता भी बहुत आदमी का नहीं होगा कि लाभ लिया है कि नहीं लिया है। तो आपने हक के लिए कहे लड़ते हैं, आवाज़ उठाए, लेकिन मेरा मुखिया वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो आप क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। बदलाव में नया चेहरा आपके नज़र में कौन है? सुरेंद्र पासवान। इस बार जिता रहे हैं उनको? एकदम तन मन धन से। विकास चाह रहे हैं? विकास चाह रहे हैं। और ईमानदार? ईमानदार, कर्मठ, योगशील है सुरेंद्र पासवान, उसमें कहीं त्रुटि नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ के तमाम जनता से मैंने राय विचार लिया हूँ और सभी का एक ही इरादा है, परिवर्तन। और परिवर्तन होना ज़रूरी है और जहाँ परिवर्तन होता है वहीं विकास होता है। और हर एक जनता का जो है एक ही नारा है, परिवर्तन। और एक शिक्षित युवा, कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवार का ज़रूरत है यहाँ पे इस पंचायत में। और जो ईमानदार होंगे और जो जिनको जनता चाहेगी वही इस मुखिया जी के कुर्सी पे आ पाएंगे। तो आगे मैं और भी जनता से मैं राय लूँगा, तब तक बने रहें आप लोग। तब की नाम चाहिए तुहर? अजीत साह। अजीत साह, की करे छो? मजदूरी करे छो। मजदूरी तो मजदूरी तो करे छो, तो पंचायत के तो जनता छो जी। तोहर सोच जाने लगे है ना कि बेर की तोहर सोच छे, इरादा की छे? हमर सोच सर ई छै जे हम सोचै छियै जे मुखिया अबरी बार बदलाके कारण छै, आ दोसर नम्बर छै हम इएह कहै लए चाहै छियै हम सुरेंद्र पासवानके वोट देबन। आँ उ बदलाव की है? बदलाक ई कारण छै जे कुछ नहि करलखिन एखन गाँवमे, ई लए कऽ हम हुनकरा बदलावके लिए चाहि रहलियै हन। आँ सुरेंद्र बाबूके अबरी बार मुखियामे खार करबै, हर हालमे हुनकरा वोट देबै, चाहे जे हो जाए, ई लए कोई परेशानी नहि छै। तोरा पक्काके घर छै कि खपड़ाके कि फूसके? खपड़ाके। तोरा प्रधानमंत्री आवास योजना रे मिललै? कुछो नहि, चारो नहि, पैसा नहि, कोई योजना के लाभ? कोई योजना नहि, लैट्रिन मिला नहि, जल लगाया, जल भी नहि आया, शौचालय भी नहि मिला? शौचालय भी नहि मिला, मतलब फंक्शनमे कुछ अयबे नहि किया है। आँ फंक्शनमे कुछ अयबे नहि किया है। अच्छा, हमको कहने का मतलब ये है जब हम वोट देते हैं तो हमको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? आँ आप ही बोलिए, अगर ठीक हम वोट दे रहे हैं तो हमको वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं होगा? जब तक नाम नहीं होगा तब तक हम वोट दे नहीं सकते। सही बात है ना, नाम है ना? नाम है, वोट डालते हैं। एक वोट के मालिक हैं आप? एक वोट को, एक वोट के नहीं, दो वोट के मालिक हैं। हाँ, शादीशुदा है तब तो दो वोट, दो वोट के मालिक हैं। तो यही हमारे तरफ से विनती है जो सुरेंद्र बाबू को ये समस्या में जिताना है, हर परेशानी में, उसके बाद में उनका विकास होगा। जनता लोग पर कुछ ध्यान दीजिएगा, हम यही कहने के लिए चाह रहे हैं। तो एक मजदूर का ये सोच था और तमाम यहाँ पे जो भी हमारे चैनल से सुन रहे हैं यहाँ के तमाम जनता, मैं यही कहना चाहूँगा, शिक्षित हों, बेरोजगार हों, युवा हों, आप अपने पंचायत में एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें मुखिया पद के लिए, जो कि आपके पंचायत में अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे। बने रहे, मैं आगे का काम आगे भी दिखाऊंगा। की हाल छै? मुखिया जितबै छै दै खातिर कि मुखिया दा अपना घर बनबै खातिर? आँ हमरा पैखाना छै बनायल, ओकर नहि देलकै रुपैआ, घर नहि देलकै, जकर तीन महला छै रूपावला ओकर तीन महला बनाय देलकै, हमर एक महलो नहि बनाय देलकै, तऽ कथी खातिर जनता होइ छै? तऽ ई बेर की सोचने छियै? अभी सोचने छियै इएह जे बाबू देथिन ओहि बाबूके वोट पड़तनि।
तो पहले देला के बाद ना वो देतीन हाँ, देतीन त ई हाँ, आदमी के चुन लिए कि कोन आदमी हमरा पंचायत में मुखिया बने लायक छ हमरा लायक छथिन बे ओए पार में छथिन सुरेंद्र सुरेंद्र पास में अच्छा अपने यो सुरेंद्र जी के हां तोरा मामा की कहे छ की सोच लो अनि बेर की सोच लिए नवी बार घर दलखनी 1.5 साल हो गेले जोन मजदूर के रुपो आवै छ मंडेगा वाला काम भेले ओकरा में अपने यो करे रही ना ना हमर ओइ में नहीं करे रही फोटो घिचा के रुपा लेकिन पैखानो लेकिन घर बनवा में रुपा देलिए त ओहो ने ई बेर मुखिया जी के बदलाए ल चाहे छी की बदलबै बदलाव चाहे तीन तीन बार ओहे मुखिया बन के बनथनी त बदलाव चाहे छी बदलाव चाहे छोरी इंदर पास मन मुखिया जी के बदलाए ल हां हमहू कहे छी ओहे मुखिया बदलता आप क्या चाह रहे बदलना चाह रहे तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम महिलाएं जो है हमारे साथ बनी हुई हैं और इस पंचायत के अंदर जो है एक बदलाव का रेस जो है पकड़ चुका है और यहाँ पे हमें लग रहा है काफ़ी घमासान यहाँ का चुनाव जो होने वाला है यहाँ के मुखिया पद के लिए जो है काफ़ी घमासान युद्ध है तो यहाँ पे देखने को बाद में मिलेगा कि यहाँ का जनता तमाम जनता है किसे चुनती है यहाँ के मुखिया पद के लिए आपका क्या कहना है सर हमको क्या कहना है कुछ नहीं मिला जो मुखिया बना अभी तक कुछ नहीं मिला सब गरीब आदमी है एकदम मजदूर क्लास का जी तो इस बार बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए हाँ क्या जनता से क्या कहते हैं आप जनता सब बदलाव चाहता है हाँ एकदम तो किनको इस बार नया चेहरा में सुरेंद्र पासवान को चाहते हैं ठीक है क्या क्या बदलाव चाहिए हाँ बदलाव चाहिए सब लोग को बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए देख सकते हैं हमारे साथ जो भी आ रहे हैं तमाम मैंने एक निष्पक्ष जो है यहाँ के आम जनता के पास जा के मैंने पूछा यहाँ के पंचायत के बारे में राय विचार लिया मूल समस्या को जाना लेकिन सभी का कहना है बदलाव 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 परिवर्तन सभी के मुंह से परिवर्तन ही मिलता है आइए मेरे बीच और भी जनता आ रहे हैं सर इस बार आपका क्या कहना है बदलाव चाहिए बदलाव देखिए हर एक के मुँह से बदलाव चाहिए आपका क्या कहना है चाचा क्या कहना है बदलाव चाहिए कि वही मुखिया जी बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए हाँ हाँ एकदम तभी विकास हो पाएगा तभी विकास होगा एक बपोटी राज समझ लेगा वो तो इस बार आशीर्वाद आप किसको बाबा दे रहे हैं वो तो मन बताएगा आत्मा रखे हुए पैक करके खुल के नहीं कहेंगे अभी चलिए ठीक है मैं आपकी भावना को समझ गया और अच्छी बात है इसी तरह जो है अपने पंचायत के लिए हाँ बदला किनखा चाहे छे किनखा बिना नौकरी वाला बिना नौकरी वाला जकरा सरकारी नौकरी छे ओकरा नहीं चाहिए वोट नहीं चाहिए ना तो इबेर अपने के तरफ से किनखा वोट पड़ता है बरस छाप अपने की कह वह बरसे छाप अपने की कह मामा बरसे छाप आपको क्या क्या राय है बरसे छाप बरस छाप तो ये देख सकते हैं मैं तमाम जनता से जानने का काम किया हूँ सभी का मूड जो है इस बार परिवर्तन का है काफ़ी रोमांचक यहाँ पे मुकाबला होने वाला है क्योंकि 10 साल निवर्तमान के रूप में कोई मुखिया प्रत्याशी हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन इस बार जो है यहाँ के आम जनता जो भी हैं परेशान हो चुके हैं उनका एक ही कहना है कि इस बार परिवर्तन तो यहाँ के जनता देखते हैं क्या करती है